कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ कर्म से महान होते हैं, कुछ पे महानता थोप दी जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की किताब मोदी एट 20 के संबंध में भी यही बात लागू होती है। यह किताब वास्तव में इतनी बढ़िया है कि लोग इसको पढ़ेंगे, लोग इसको हाथों हाथ लेंगे, तो इसको इतना ज्यादा प्रचार करने की क्या आवश्यकता है कि देश के गृह मंत्री स्वयं घूम घूम के इस किताब का प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रदेश में इस किताब के प्रचार के लिए पूरी एक कमेटी का गठन किया हुआ है, प्रभारी का नियुक्त किया हुआ है, और लोगों को बोला जा रहा है कि किताब खरीदी जाए, लक्ष्य दिया जा रहा है किताब खरीदने का। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक बात यह है कि इस किताब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि यह किताब गीता के जैसे महान है। गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई गीता की तुलना किसी भी किताब से किया जाना घोर आपत्तिजनक है, हिंदू धर्म का अपमान है। खुद को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी हितैषी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के इस बयान का अभी तक खंडन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, और कल जब कि गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उस समय हम अपेक्षा करेंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान का वे खंडन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में भी स्पष्टीकरण। जनता पर थोपा जा रहा है, महान महान होता है, थोपा नहीं जाता उसको, समझ रहे हो ना? ये जो स्क्रू है कांग्रेस की वो ढीली है।